नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। और भाई, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 17 अगस्त से भारत की एक छोटी टीम ओमान के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और ओमान आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज होने वाली है। काफी रोमांचक, शानदार और ऐतिहासिक ये सीरीज होने वाली है, क्योंकि भाई भारत की डोमेस्टिक टीम अब यहां पर एक इंटरनेशनल टीम से भिड़ने के लिए जा रही है। भाई, कहीं ना कहीं क्रिकेट के यहां पर काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और काफी सारे इतिहास यहां पर रचे जाने हैं। लेकिन भाई, आप सभी को पता है कि सीरीज का पूरा कार्यक्रम भी यहां पर ओमान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की उस 16 सदस्यीय डोमेस्टिक टीम के बारे में, जो यहां पर ओमान के दौरे पर जाकर वनडे और T20 सीरीज खेलने वाली है। इस टीम को हम यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप भी भारत की डोमेस्टिक और ओमान के बीच होने वाली सीरीज को लेकर एक्साइटेड हैं, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यह सीरीज ऐतिहासिक होने के लिए जा रही है, क्योंकि अभी तक क्रिकेट के इतिहास में हमें एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई डोमेस्टिक टीम किसी इंटरनेशनल दौरे पर जा रही है, वो भी यहां पर सीरीज खेलने के लिए। तो भाई, कहीं ना कहीं काफी रोमांचक ये पूरा का पूरा सिनेरियो बना हुआ था। अचानक से यहां पर इस सीरीज को शेड्यूल किया गया था, मैंने आप सभी लोगों को बताया था। इस सीरीज का पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ओमान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए अपनी तैयारियां करने के लिए BCCI और MCA यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कॉन्टेक्ट किया था कि भाई यहां से एक टीम वहां पर जाए और उस टीम की T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारियां कराए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ओमान भाई फर्स्ट राउंड के मैच खेलने वाली है, और भाई आप सभी को पता है कि ओमान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा चाहता है कि इस शानदार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस सीरीज यहां पर ओमान की जो इंटरनेशनल टीम है वो खेले। तो वैसे में यहां पर BCCI और MCA यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर इस सीरीज को कंफर्मेशन दे दिया है। जी हां, 17 अगस्त को भारत की वह टीम इस दौरे पर जाने वाली है, 16 सदस्यीय टीम होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सीरीज के शेड्यूल की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आगाज यहां पर 3 मैचों की T20 सीरीज के साथ होने वाला है, जिस सीरीज का पहला T20 मैच हमें 22 अगस्त को, दूसरा T20 मैच हमें 24 अगस्त को, और तीसरा वह अंतिम T20 मैच हमें 26 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। उसके बाद भाई यहां पर 3 मैचों की बहुत ही जबरदस्त वनडे सीरीज होगी, जिसका पहला वनडे मुकाबला हमें 29 अगस्त को, दूसरा वनडे मुकाबला 31 अगस्त को, और तीसरा वह अंतिम वनडे मुकाबला हमें 2 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो भी कुछ ऐसा यहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भाई, एग्जैक्ट यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन भाई हम बात करते हैं भारत की उस 16 सदस्यीय टीम के बारे में, मुंबई की उस 16 सदस्यीय टीम के बारे में जो इस सीरीज में ओमान के खिलाफ खड़ी होने वाली। तो मैंने आप सभी को बताया था कि भाई भारत की डोमेस्टिक टीम, रणजी की टीम, मुंबई की टीम यहां पर इस दौरे पर जाने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहां पर इस सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो भाई यहां पर 5 बल्लेबाजों के नाम निकल कर आ रहे हैं, जो हैं सुरेश अय्यर, यशस्वी जायसवाल, सिद्धेश लाड, सरफराज खान और भूपन लालवानी। ये 5 खिलाड़ी हमें यहां पर 5 बल्लेबाजी सीरीज के लिए इस दौरे पर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। रिपोर्ट से ऐसी कि भाई सुरेश अय्यर हमें यहां पर इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि पिछले काफी लंबे टाइम से वो क्रिकेट से दूर और IPL और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जिसके चलते भाई वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वैसे में यहां पर इस दौरे पर इस टीम के साथ हमें सुरेश अय्यर भी दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम यहां पर बात करते ऑलराउंडर्स के बारे में, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स के साथ यहां पर मुंबई की टीम जाने वाली है, जो है शिवम दुबे, आकाश परकर और अमन हकीम खान। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो भाई 2 प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ यहां पर मुंबई की टीम जाने वाली है। जो 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो हैं यहां पर आदित्य तारे और हार्दिक तमोरे। उसके बाद अंत में हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो भाई 6 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ इस सीरीज के लिए, इस दौरे के लिए मुंबई की टीम जाने वाली है। जो 6 गेंदबाज हैं जो हैं यहां पर धवल कुलकर्णी, तुषार देश पांडे, रोहित चोंडाइश, प्रशांत सोलंकी, सैम्स मुलानी और शशांक। तो भाई कुछ ऐसी 16 सदस्यीय टीम हमें ओमान के खिलाफ इस सीरीज के लिए दिखाई देने वाली है। इन पूरे स्कोर्स के ऊपर आपके ओपिनियन, आप सभी को बताया कि भाई रणजी टीम को यहां पर इन्वाइट किया गया है, और मुंबई की रणजी टीम के जो करंट स्कोर्स है वो यही है। वैसे में कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग ये सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में जितना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।